हमारे बीच में नरेश चौधरी जी जो समाज सेवी हैं और समाज की बात को, समाज की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं और बाबा साहब को अच्छे ढंग से पढ़ा है और बाबा साहब की बातों को फॉलो करते हैं। चौधरी साहब, आज का जो दौर चल रहा है रिजर्वेशन को लेके, छोटे छोटे समुदाय, बड़े बड़े समुदाय और जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है कि आज वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है हम शोषित समाज के लिए, क्योंकि ये आरक्षण हमें मांगने से नहीं मिला है। एक्चुअली इसके बदले में हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो कीमत ये है कि बाबा साहब के सामने जब ये शर्त रखी गई थी कि आरक्षण को आप ख़त्म कर दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आरक्षण को ख़त्म कर देता हूँ लेकिन उसके बदले में आपको दो वोटों का अधिकार देना पड़ेगा, एक तो दलितों के लिए, एक सामान्य जन के लिए। लेकिन इस पर वो लोग सहमत नहीं हुए जो हमारे शीर्ष नेता थे उस समय के। तब उन्होंने कहा यदि आप इसको नहीं मानते तो मैं ये चाहूँगा कि उस दबे कुचले समाज को जिससे हम आते हैं उसे एक रिजर्वेशन, एक आरक्षण दिया जाए ताकि एक नियत समय में ये उस वर्ग के बराबर आ सकें जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किए हैं। और आज भी शायद वो अत्याचार, वो मुद्दे, वो बातें कहीं ठंडी नहीं हुई हैं। पिछले 5000 वर्षों से जो हमारे साथ होता आ रहा था वो आज भी हो रहा है, जिसके लिए बाबा साहब अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और उस चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और शायद अपने समय के वो एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस संघर्ष को जारी रखा और हम आज़ादी के पश्चात हजारों लाखों पढ़े लिखे होने के पश्चात भी हम उस आरक्षण को उस तय तक, उस जगह तक नहीं लेके जा सके जहाँ तक कि बाबा साहब ने हमारे लिए पहुँचाया था, हमारे लिए कोशिश की थी। इसलिए आज भी हमें उस रिजर्वेशन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ लोग, कुछ परिवार यदि उठे हैं तो हम उनको उठा हुआ नहीं मान सकते, क्योंकि एक पूरी की पूरी 80% जो हमारे लोग हैं वो तो आज भी दबे कुचले ही हम, तो उसमें से अगर कुछ लोग उठ जाते हैं तो उनके लिए आरक्षण को ख़त्म करना कहीं भी कभी भी उचित नहीं है। इसलिए आरक्षण आज हमारी परम आवश्यकता है और जब तक है, जब तक कि इनकी मानसिकता नहीं बदलती और हम इनके बराबर नहीं आ जाते।